बॉलीवुड में आजकल अगर किसी अभिनेता के अच्छे दिन है तो वो और कोई नहीं बल्कि खिलाड़ी अक्षय कुमार हैं। इनकी कुछ दिनों पहले रिलीज हुई फिल्म टॉयलेट ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद अच्छी कमाई की है। अक्षय की इसी साल आई फिल्म जॉली एलएलबी 2 के बाद इनकी दूसरी हिट फिल्म है। जहां सलमान और शाहरुख जैसे बड़े स्टार्स एक हिट के लिए तरस रहे हैं, वहीं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। अक्षय के फैंस उनकी एक फिल्म आने के बाद से ही अगली आने वाली फिल्म के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। इसलिए आज हम आप लोगों को उनकी वर्ष 2018 में आने वाली कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताते हैं। एक, इक्का। इक्का एक बड़ी बजट वाली अक्षय कुमार की आगामी बॉलीवुड फिल्म है। इक्का हिट दक्षिण भारतीय फिल्म थुपाकी की हिंदी रीमेक है। फिल्म में इया मुरुगदास, जिन्होंने पहले हॉलीडे नेवर ऑफ ड्यूटी में अक्षय के साथ काम किया था, फिर से उनके साथ निर्माता के रूप में काम कर रहे हैं। दो, क्रैक। फिल्म स्पेशल 26 बेबी और रुस्तम में सफलतापूर्वक सहयोग करने के बाद अक्षय ने एक बार फिर नीरज पांड्या के साथ मिलकर 2018 में स्क्रीन पर आने वाले क्रैक नामक आगामी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म में काम कर रहे हैं। 3. गोल्ड। यह एक खेल नाटक है और एक सच्ची घटना ओलंपिक में भारत द्वारा प्रथम स्वर्ण पदक की कहानी पर आधारित है। अक्षय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस फिल्म के बारे में जानकारी दी थी। यह फिल्म 15 अगस्त वर्ष 2018 को रिलीज होगी। अब यह देखना होगा कि वर्ष 2018 अक्षय के लिए कितना लकी साबित होता है और उनकी ये आने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है। वैसे आप इन तीन फिल्मों में से पहले कौन सा देखना पसंद करेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ऐसी ही न्यूज़ पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।